बच्चन के साथ वकालत आरंभ की और उसी साल जाट सभा का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में इन्होंने जाट सैनिकों को भर्ती करवाने में काफी मदद की थी और स्वाधीनता संग्राम में इनका बहुत ही योगदान था। इनके लेखों और इनके कार्य से अंग्रेज इतने डर गए थे कि अंग्रेजों ने उस समय जो रोहतक के डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने इनको देश निकाला दे दिया था। लेकिन पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुक्मरानों को बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में एक क्रांति हैं, उनको अगर देश निकाला दिया जाएगा तो गदर मच जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। और इसके बाद अंग्रेज डर गए और अंग्रेजों ने जो कमिश्नर की सिफारिश थी सर छोटू राम को देश निकाला देने की, उसको वापस ले लिया। अनुज, अगर हम आज की बात करें, ये तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, सर छोटू राम क्या थे, आज वहां पर लोग किस तरह से सांपला गढ़ी जो जगह पड़ता है उन्हीं उनका जन्म हुआ था और ये यहाँ के किसानों की लोगों की मांग थी कि उनकी एक बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए जिसका सपना मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पूरा किया है। करीब एक साल में बनकर ये प्रतिमा जो है वो तैयार हुई थी और इसका आज अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक पर्दा है उसको रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इसका अनावरण किया है, वो पर्दा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, काफी विशाल ये प्रतिमा है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि एक हरियाणा के लोगों का जो सपना था उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको सम्मान देने का, एक गौरव देने का, वो आज प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा हुआ है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि इसी प्रतिमा के पीछे जो संग्रहालय बनाया गया है, जो वो इस्तेमाल अपनी चीजें करते थे सर छोटू राम, वो संग्रहालय में उनको रखा गया। लोग देख सकते थे कि वो किस तरीके से चिट्ठियां लिखते थे जब स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वो कूदे थे, जिस तरीके से वो अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे, आज भी उनके कपड़े संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि कितने संघर्ष करने के बाद वो एक समाज के लिए काम कर पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आजादी से पहले उन्होंने जो जिस स्कूल में और छात्रावास में पढ़ने के लिए गए थे उनको वहां पर परमिशन नहीं दी थी, उनके अंदर उसी दिन एक जज्बा पैदा हुआ था सर छोटू राम के अंदर कि उन्हें ना सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के ऐसे हजारों लाखों लोगों के लिए काम करना है जो आज भी समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। और फिर उनकी वो अनवरत यात्रा शुरू हो गई, वो किसानों के लिए, वो दलितों के लिए, वो जितने पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके हकों की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। और जिस तरीके से आपने भी बताया, क्योंकि जब उन्होंने वकालत शुरू की थी उस वकालत को उन्होंने पेशा ना बनाकर उसको भी समाज के साथ उन्होंने जोड़ दिया। जो समाज के लोग थे, गरीब लोग थे, वो उनकी पैरवी करते थे, उनके केस लड़ते थे और वो मुफ्त में केस लड़ते थे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सर छोटू राम का जो जीवन रहा है वो एक प्रेरणा हर युवा के लिए है, हरियाणा के लोगों के लिए है, देश के लोगों के लिए है। और जो हरियाणा के लोगों की एक बात थी, एक मांग थी, एक सपना था, वो सपना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इसके बाद मूर्ति के अनावरण के बाद अभी आप देख सकते हैं कि वो श्रद्धांजलि देंगे फूलों के माध्यम से, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद का जो कार्यक्रम है इसके पीछे जाकर वो संग्रहालय को भी देखेंगे कि किस तरीके से उनका जीवन सर छोटू राम का रहा है। और उसी संग्रहालय के बराबर में चंद्रशेखर मैं बताऊं कि वहां पर एक संस्कृति, जो हरियाणा की संस्कृति रही है, जो यहाँ का कल्चर रहा है, उसकी भी एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है कि किसान किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे। एक आम आदमी चरखे के माध्यम से कपड़े को बुनता था, चरखा चला के कपड़ा बुना जाता था,
क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा एक समृद्ध राज्य शुरू से रहा है और देश की अगर जीडीपी की बात करें तो उसमें आर्थिक मदद देने में भी काफी योगदान हरियाणा राज्य का रहा है। भले ही कृषि प्रधान देश हो लेकिन पिछले काफी समय में जिस तरीके से हरियाणा सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं को लागू करने के बाद यहाँ औद्योगिकरण काफी बना है, रोजगार के साधन काफी उपलब्ध यहाँ पे हुए हैं। क्योंकि सर छोटू राम का भी सपना यही था कि हरियाणा की तरक्की तभी होगी जब हरियाणा का एक एक व्यक्ति तरक्की करेगा, यहाँ का नौजवान तरक्की करेगा। शायद सर छोटू राम ने उसी सपने को पूरा करता हुआ, जब हम अगर सेना में भर्ती की बात करें तो आजादी से पहले भी करीब 24,000 लोगों को भर्ती कराया था जो सेना का आधा हिस्सा होता था। और आज भी हम जानते हैं कि अहिर जाट रेजिमेंट के नाम से उसको जाना जाता है, उन लोगों की अलग से सेना के अंदर भर्ती होती है और जाट रेजिमेंट की अपनी एक पराक्रम की कहानी है पूरे देश के अंदर। जो हमारा 65 का 71 का जो करगिल का युद्ध हुआ था, हरियाणा के लोगों ने कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं वो अपने देश के लिए। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सर छोटू राम के सपने को, जितने भी उनके सपने थे उन्होंने संघर्ष करके उनको पूरा किया और जो कुछ वो बातें छोड़ गए थे अपने समाज के लिए अपने राज्य के लिए, आज कहीं ना कहीं वो मनोहर लाल खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पूरा करते हुए यहाँ पर आज नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में यही उम्मीद की जानी चाहिए कि सर छोटू राम के जैसा हरियाणा का एक एक युवा बनेगा, एक एक व्यक्ति बनेगा जिसका समाज के लिए संघर्ष होगा, जो समाज के लिए कार्य करेगा। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब उस संग्रहालय की तरफ हो रहे हैं जा रहे हैं चंद्रशेखर, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी और कैमरे के माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह, सबसे बड़ा योगदान अगर मैं इस प्रतिमा की बात करूं चौधरी वीरेंद्र सिंह को जाता है, क्योंकि वो काफी समय से इसके लिए लगे हुए थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह इस इलाके में काफी एक राजनीतिक अच्छी यहाँ पे उनको माना जाता है, समाज के कार्यों के लिए राजनीति के कार्यों के लिए उनको माना जाता है। और जब समाज की मांग आई थी हरियाणा सरकार के पास और मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास, तो इन्होंने समाज की इस मांग को पूरा किया था और प्रधानमंत्री के बात ये सामने रखी थी कि हम एक ऐसी प्रतिमा बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं जिसका अनावरण आप करें। तो उस बात को प्रधानमंत्री ने मानते हुए आज वो दिन है कि उन्होंने उसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री अब सीधे उस संग्रहालय की तरफ जा रही हैं, वहाँ काफी उनसे जुड़ी हुई यादें हैं उनको हम ताजा कर सकते हैं। वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री, 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री उनके जीवन से समर्पित जो है, उनका जीवन किस तरीके से रहा था उस पर आधारित है और प्रधानमंत्री इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। यहाँ से ये शुरुआत हुई है, फोटो है, एक बड़ी फोटो बनाई गई है सर छोटू राम की और यहाँ पे बड़े अच्छे यहाँ पे जो उनके हक होते थे, जो अपने भाषणों में और संघर्ष के दौरान जो अपनी यात्राओं में अपने शब्दों को बोलते थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और प्रधानमंत्री खुद उनको पढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और सर छोटू राम का यही कहना था कि जो हल चलाने वाला व्यक्ति है उसके कपड़ों से अगर मेहनत की खुशबू आती है, मेहनत की अगर गंध आती है तो यही मेरा जीवन सबसे बड़ा जीवन है। तो मुझे लगेगा कि जो एक देश का सपना है, हरियाणा का सपना है, किसान का सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सर छोटू राम ने खुद संघर्ष किया था और उनका यही कहना था कि हर किसान के अंदर से कपड़ों से आने वाली वो महक। बिल्कुल अनुज, इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर आर्थिक आजादी की जरूरत है, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई चाचा की मदद से और कॉलेज और लॉ की डिग्री से छाजू राम के सहयोग से पूरी कर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। इसके कुछ समय बाद किसान और कमेरे वर्ग के हकों की लड़ाई व्यापक स्तर पर लड़ने के लिए वो सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। राजनीतिक पारी की शुरुआत में ही वो रोहतक से कांग्रेस के प्रथम जिलाध्यक्ष बने, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन से असहमत होने के चलते कांग्रेस को अलविदा कहकर मियां सरफजले हुसैन व अन्य साथियों के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। छोटू राम जी ने लगभग 25 साल सत्ता में रहते हुए किसानों और मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करा, आर्थिक आजादी दिलाने में कामयाबी पाई। 1942 में अपने कठोर रुख और दृढ़ निश्चय से अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 से 11 रुपए प्रति मण के हिसाब से स्वीकृत करवाया। गीता के कर्म सिद्धांत में गहन विश्वास रखने वाले आर्य समाजी छोटू राम जी
अपने कार्यों से हिंदुओं के दीन बंधु मुसलमानों के रहबरे आजम कहलाए। उस समय के मुस्लिम समाज में उनकी लोकप्रियता का ही असर रहा कि उनके होते हुए जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक ताकतें पंजाब में उभर नहीं पाई। वो अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे और भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1943 में गांधी जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। हरित क्रांति की मूल परिकल्पना उन्होंने ही की थी और बतौर मंत्री 8 जनवरी 1945 की फाइल्स पर दस्तखत कर 9 जनवरी 1945 की सुबह अंतिम सांस ली। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के खेतों में साल भर लहलहाती हरियाली उन्हीं की देन है। अब दीनबंधु सर छोटू राम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के पास गढ़ी सांपला गांव के एक गरीब किसान के घर उन दिनों हुआ जब ग्रामीण जनता साहूकारों के शोषण, नौकरशाही के दमन और आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त थी। बालपन से ही बुद्धिमान छोटू राम की मिडिल के बाद की शिक्षा के लिए कर्जा लेने गए उसके पिता के साथ साहूकार द्वारा अपमानजनक व्यवहार ने बालक छोटू राम को भीतर तक झकझोर दिया और यहीं से उसके मन में ये सोच पैदा हुई कि इस वर्ग को राजनैतिक आजादी से पहले आर्थिक आजादी की जरूरत है। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई चाचा की मदद से और कॉलेज और लॉ की डिग्री से छाजू राम के सहयोग से पूरी कर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। इसके कुछ समय बाद किसान और कमेरे वर्ग के हकों की लड़ाई व्यापक स्तर पर लड़ने के लिए वो सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। राजनीतिक पारी की शुरुआत में ही वो रोहतक से कांग्रेस के प्रथम जिलाध्यक्ष बने, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन से असहमत होने के चलते कांग्रेस को अलविदा कहकर मियां सरफजले हुसैन व अन्य साथियों के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। छोटू राम जी ने लगभग 25 साल सत्ता में रहते हुए किसानों और मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त करा आर्थिक आजादी दिलाने में कामयाबी पाई। 1942 में अपने कठोर रुख और दृढ़ निश्चय से अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 से 11 रुपए प्रति मण के हिसाब से स्वीकृत करवाया। गीता के कर्म सिद्धांत में गहन विश्वास रखने वाले आर्य समाजी छोटू राम जी अपने कार्यों से हिंदुओं के दीन बंधु मुसलमानों के रहबरे आजम कहलाए। उस समय के मुस्लिम समाज में उनकी लोकप्रियता का ही असर रहा कि उनके होते हुए जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग जैसी सांप्रदायिक ताकतें पंजाब में उभर नहीं पाई। वो अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे और भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1943 में गांधी जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। हरित क्रांति की सोच लेकर भाखड़ा नंगल डैम की मूल परिकल्पना उन्होंने ही की थी और बतौर मंत्री 8 जनवरी 1945 को पूरी रात भाखड़ा नंगल डैम की फाइल्स पर दस्तखत कर 9 जनवरी 1945 की सुबह अंतिम सांस ली। आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के खेतों में साल भर लहलहाती हरियाली उन्हीं की देन है। अपनी लगन, मेहनत, कार्यों और दूरदर्शी सोच से वो एक अमर इतिहास और एक ऐसा मार्ग आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर गए जिसके एक हिस्से का भी अनुसरण किया जाए तो पूरी मानवता का कल्याण हो जाए। ऐसे शख्स बिरले ही पैदा होते हैं। वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में गांवों के विकास के लिए उनके नाम पर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई है जिसके तहत 3 वर्षों में 3,000 से 10,000 तक की आबादी वाले
1700 गांवों के विकास पर 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दीन बंधु सर छोटू राम जी का जन्म। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने सर छोटू राम पर बनी हुई एक 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी और इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि किस तरह से सर छोटू राम का महान योगदान रहा है पंजाब और हरियाणा में खेती और किसानी को आज वो जिस स्थिति में है वहाँ तक लाने में। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्री में भी बताया गया कि सर छोटू राम की जो उपलब्धियां हैं वो काफ़ी महान उपलब्धियां हैं और ख़ासकर अगर खेती और किसानी की हम बात करें, पंजाब और उस समय पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करता था और यहाँ पर खेती और किसानी के लिए काफ़ी कुछ वहाँ पर काम किया जाना था जिसको सर छोटू राम ने वो काम किया। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें या कई सारे उन्होंने, आपको बता दें कि 1937 में सिकंदर हयात खान पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने और इनको राजस्व मंत्री बनाया गया सर छोटू राम को, उस समय विकास और राजस्व मंत्री। और इन्होंने कई उस समय ये कानून लेके आए जिसमें साहूकार पंजीकरण एक्ट था, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट था, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम था, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 है, कर्जा माफी अधिनियम है। ये सब अधिनियम उस वक्त, जिसके बारे में आज हम देखते हैं कि सरकारें सोचती हैं, उस वक्त सर छोटू राम का लाना किस तरह की दिव्य दृष्टि आप कहेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उस समय में, उस पुराने समय में जितने वो सामाजिक उत्थान की बात करते थे, शायद उसी का कारण है कि आज पंजाब और हरियाणा जो दोनों एक हुए करते थे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो इतने आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साहूकारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो कर्जा साहूकार से लेता है अगर वो मूल का दोगुना पैसा दे चुका है तो उसकी जमीन छूटेगी, वो इसके लिए कानून लेके आए थे, कानून उसके लिए बनवाया था। दूसरी तरफ उन्होंने किसानों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है लागत का 1.5 गुना किया है, उस समय सर छोटू राम की सोच उस समय इस बात को लेकर भी थी कि उन्होंने जो गेहूं का समर्थन मूल्य था, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो 6 रुपए था, उसको बढ़ा के 2 गुना उस समय में उन्होंने कराया था। तो उनकी एक विचारधारा दिखाई देती है, उनके संघर्ष का ये सारी चीज दिखाई देती है कि उनके दिमाग में अगर कोई सबसे पहले प्राथमिक मात्रा में था तो वो किसान था, वो गरीब था, वो पिछड़े वर्ग के वो लोग थे जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके थे, उन लोगों के लिए पूरे जीवन भर उन्होंने काम किया था। और विजिटर बुक में प्रधानमंत्री जो सर छोटू राम के बारे में लिख रहे हैं, निश्चित तौर पर जब हमें पता चलेगा हम बताएंगे, शायद वो भी उनके संघर्ष की उस गाथा से प्रेरित होकर लिख रहे होंगे कि उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है सर छोटू राम ने, ना सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि देश के लिए। चंद्रशेखर, बिल्कुल अनुज, और प्रधानमंत्री वहां पर लिख रहे हैं सर छोटू राम के बारे में। और एक और तथ्य है कि इतना महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और किसानों का मसीहा एक लंबे वक्त तक कहीं ना कहीं हाशिए पर रहा आजादी के बाद, इस बारे में क्या कहेंगे अनुज? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से सर छोटू राम ने आजादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया, वो महात्मा गांधी के साथ चलकर उन्होंने संघर्ष पूरा उनके साथ किया, उन्होंने अपनी अलग अलग योजनाएं अंग्रेजों के खिलाफ बनाई थी, हालांकि अंग्रेजों ने उनको देश निकालने तक की भी जो था उसका ऑर्डर निकाला था, लेकिन अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था क्योंकि जिस तरीके से वो समाज से जुड़ गए थे, समाज के लिए कार्य किए थे, अपना ये ऑर्डर उनको अंग्रेजी सरकार को वापस लेना पड़ा था। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं वो उनको लेके जा रहे हैं सामने, जो एक संस्कृति है हरियाणा की संस्कृति इस प्रदर्शनी में आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से बैलगाड़ियों का उपयोग होता था, जो किसान थे किस तरीके से वो अपना रहन सहन करते थे, उसके अलावा चरखा, क्योंकि चरखा एक माध्यम हमारे देश का रहा है, कपड़ा बुनने का रहा है और गांधी जी खुद चरखा चलाते थे। हरियाणा के अंदर हम जानते हैं कि काफी बुनकर थे, कपड़े का आज भी व्यापार हरियाणा के अंदर कुछ इलाकों में होता है, वो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। पुराने जो समय था, जो हमारा आजादी से पहले का समय था, उस समय हरियाणा के लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, कृषि के अंदर किन किन चीजों का उपयोग किया जाता था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हल जो खेती में उपयोग होता है, जो बैल के माध्यम से उपयोग किया जाता था, उन हलों को यहाँ पर दिखाया गया है। एक हम कह सकते हैं कि जो समृद्धि है हरियाणा की,
वो कहीं ना कहीं कृषि में ही छिपी हुई है। और जो आज हरियाणा का जो विकास हुआ है वो कृषि में एक बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, और वही चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। प्रधानमंत्री खुद जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि करीब यहाँ पे जो चीजें लगाई गई हैं वो 80 साल से 100 साल तक पुरानी यहाँ चीजें हैं जिनको प्रदर्शित किया गया है, और प्रधानमंत्री उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जब थोड़ा आगे चलेंगे तो किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या काम होता था, किस तरह के जो एक ग्रामीण कल्चर है, जो ग्रामीण की संस्कृति है, इस तरीके से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक अन्नदाता के रूप में किसान को हम याद करते हैं, लेकिन एक अन्नदाता के जीवन में क्या कुछ संघर्ष होता है, किस तरीके का वो संघर्ष करता है अपने पूरे जीवन भर, और पीढ़ियां दर पीढ़ियां संघर्ष करती हैं, देश के लिए अनाज पैदा करती हैं, उसकी एक संस्कृति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस चरखे की हम बात कर रहे थे, आप तस्वीरों के माध्यम से चंद्रशेखर देख पा रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की जो अपनी एक कलाकृतियां हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, क्योंकि हम जानते हैं जो एक हरियाणा का कल्चर है वो गीत और संगीत का भी अलग कल्चर है, और एक वो गीत और संगीत है वो एक प्रेरणा भी देता है। आजादी से भरे जो गीत संगीत हैं वो हरियाणा की धरती पर लिखे गए हैं, यहाँ के क्रांति वीरों ने उन गीतों को लिखा है, वहां पर उस चीज को प्रदर्शित करने की इस प्रदर्शनी के माध्यम से कोशिश की गई है चंद्रशेखर। लेकिन सर छोटू राम की आज प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हरियाणा की धरती के लिए, हरियाणा के उस सपूत के लिए जिसने इस सांपला में जो जन्म लिया था, उसके संघर्षों को याद करते हुए आज जो श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये हरियाणा की धरती के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल अनुज जी, ये तो किसानों की बात हुई, और उसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री का जो आज यहाँ पर शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसका कितना असर इस इलाके पर पड़ेगा? चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री अब जो आगे अग्रसर हो रहे हैं वो उसी विशाल जनसभा के लिए हो रहे हैं, और जिस जनसभा को नाम भी यही दिया गया है कि तीन बंधु स्मृति रैली, मतलब हम जनसभा के माध्यम से भी सर छोटू राम को याद करें। वहीं पर शिलान्यास किया जाएगा एक रेल जो कोच फैक्ट्री है, जिसकी मरम्मत का कार्य वहां पर होगा देश भर के अंदर, जिसको हमारी जो रेल चलती है उसके जो कोच हैं जो खराब हो जाते हैं उनको वहां ठीक किया जाएगा। ये आने वाले कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगा, और ये एक सबसे बड़ा कदम उसी तरफ है। हम कह सकते हैं कि जो एक रोजगार की बात हमेशा होती है कि लोगों को अपने राज्य को, अपने शहर को छोड़ के दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े, रोजगार के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हजारों लोगों को सोनीपत की धरती पर यहाँ पर रोजगार मिलेगा इस कारखाने के माध्यम से। और ये सरकार का, केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना रहा है कि लोग जो है उनको रोजगार अच्छी तादाद में मिले, चाहे वो फौज के माध्यम से हो, चाहे वो सैनिकों के रूप में हो, या फिर कल कारखाने जितने देश के अंदर लगे मेक इन इंडिया के तहत लगे, या फिर जो पुराने बंद पड़े कारखाने हैं उनको पुनरुद्धार हो, उनको दोबारा शुरू किया जाए, उसी में एक बड़ा कदम है इस रेल कारखाने को शुरुआत करने के पीछे। और प्रधानमंत्री अब उस विशाल जनसभा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज उस सपने को पूरा करते हुए जो हरियाणा की जनता चाहती थी कि सर छोटू राम को याद किया जाए उनकी प्रतिमा के माध्यम से, उनको श्रद्धांजलि देने के माध्यम से, प्रधानमंत्री और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट के जो साथी हैं, उनके साथ आज इस सपने को पूरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गढ़ी सांपला में जाकर सर छोटू राम ने जहां जन्म लिया था 1881 में। चंद्रशेखर, बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में वो किसानों को संबोधित करेंगे। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आज प्रधानमंत्री यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि केंद्र सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए हैं, चाहे किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP देना हो, उसके अलावा जो